फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उत्तराखंड की शिक्षा और रोजगार से संबंधित जानकारी। तो सबसे पहले जानकारी रोजगार से ही है। ये भगवान कोविड अब क्या क्या ना करवा ले इंसान से। तो MSc से लेकर MTech, BTech बड़ी बड़ी डिग्रियां धारी अब मनरेगा में काम करने को मजबूर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये कोविड का दौर है, तो इसीलिए हमें अपनी स्किल्स पे, अपनी जो टैलेंट है उस पर भरोसा होना चाहिए। और जैसे कि हमको पता है, लगभग हमारी सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्वरोजगार की जो व्यवस्था है वो कर रही है। इसीलिए आप स्वरोजगार से जुड़े हैं, वो आपके लिए भी, आपके राज्य के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और आपके देश के लिए भी फायदेमंद होगा। उसके अलावा आगे की न्यूज बढ़ते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तो उत्तराखंड में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर एडमिशन की मेरिट लिस्ट हो गई है रिलीज। तो आप जो है ro.kbs.gov.in पे जाके मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो एक दूसरी न्यूज निकल के सामने आ रही कि DAV में जो है, अगर आपने UG के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो उनकी 14 अगस्त लास्ट डेट थी उसको बढ़ा के 16 अगस्त कर दी है। मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, उसको 31 अगस्त कर दो तो सबसे उचित होगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो काम कर ही नहीं रही है, दो पैसे की भी आपकी वेबसाइट काम की नहीं है। बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी इंस्टा और ट्विटर पे तो फॉलो कर ही लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब देता रहता हूँ। उसके अलावा नई शिक्षा नीति जो उत्तराखंड में लागू होने के लिए काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है, तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यही कहूँगा कि आप शिक्षा से संबंधित जो विभाग है उसको दुरुस्त करिए, क्योंकि बहुत ही कमी है। नया शिक्षा लागू करने से कोई नहीं होगा जब तक आपका ग्रास रूट लेवल ही अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने जैसे कल पता है एक लाइव वीडियो, सॉरी लाइव इनका एक पोस्ट हुआ था फेसबुक पे, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज से, अरविंद पांडे जी ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने उसको बोला था एक नया टास्क फोर्स हमसे सुझाव मांगे हैं कि हम उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लेकर क्या क्या हमारे विचार हैं और क्या क्या इससे संबंधित हो जाने चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं, नई शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में भर ही देना। आगे बढ़ते हैं। आगे की एक न्यूज है कि चिकित्सकों की 763 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती जारी होगी। इसके बारे में हमने सुबह ही एक स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके आप देख सकते हैं। बाकी मैं शॉर्ट में बता दूँ कि इस पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती चल रही है। इसमें सर्जन, एंथोपोस्टिस, पैथोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ANT, ऑर्थोपैडिक सर्जन, नेत्र सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग, तो काफ़ी वैकेंसियाँ इसमें आई हुई हैं, जिसका इंतजार काफ़ी दिनों से था। अब जो भी इंतजार है वो है LT की 1200 पदों की भर्ती। एक हफ्ता बोला था, एक हफ्ता से ज़्यादा निकल चुका है। आज ही मैं वेबसाइट चेक कर रहा था लेकिन मेरे वीडियो बनाने तक आई थिंक अभी तो नहीं आई है। बाकी देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे की जो न्यूज़ निकल आ रही वो भी रोजगार से संबंधित है कि विशेष भर्ती अभियान के द्वारा बैकलॉग की भर्तियां खाली भरी जाएंगी। इसमें SC ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मुख्य सचिव को ये ज्ञापन भेजा है कि उत्तराखंड SC ST जो फेडरेशन एम्प्लॉयज आयोग है, उसने कहा कि बैकलॉग के माध्यम से जो खाली पद SC ST के बचे हुए हैं उनको भरने की जल्द से जल्द तैयारी की जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज़ पर है कि जिले के औद्योगिक में नौकरियों के फिर जगी बहार। इसके बारे में मैं कल या परसों तक एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जहां पर आपको होप पोर्टल के तहत आपको 8000 से लेकर 80000 तक की सारी वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। इसका मैं डिटेल वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। इसके लिए आप हरिद्वार से, उत्तराखंड की जहां भी, जिस स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप वहाँ पर होप पोर्टल पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और भर्तियाँ काफ़ी अच्छी निकली हुई हैं वहाँ पर।
आगे बढ़ते हैं। आगे की जो न्यूज़ है वो है कि सरकारी नौकरियों में चरित्र पंजीकरण खत्म करने को लेकर मांग कही जा रही है कि सरकारी नौकरियों में अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही आचरण नियमावली, यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई किसी के चरित्र के बारे में एक स्टैम्प से नहीं मालूम कर सकता। ये तो आपकी समझ सूझबूझ है कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सरकारी नौकरियों में, मैं तो सरकारी नौकरी बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ तो प्राइवेट नौकरियों तक में भी चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। आप क्या सोचते हैं, ये उचित है या अनुचित है, कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे पढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सारी न्यूज़ें हमने आपको बताई। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा देना, बाकी वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।